नहीं, हमारे ऊपर नहीं कर रहे हैं वो। दरअसल बात यह है कि जो गवर्नर्स एड्रेस है उस पर बोलना था हर एक मेंबर को, और वो हर एक मेंबर जो बोलता, वो जो उनका जो पोल है वो सारी कुछ सारा कुछ खुल जाता, जो बीजेपी का है, जो बीजेपी ने यहाँ पे 2018 से किया है, 2019, 20, 21, 22, 23 और अब 24, 25। तो जो उन्होंने तब से आज तक कश्मीरियों के साथ किया है, जम्मू के लोगों के साथ किया है, हम नेचुरली उस पर बात करते, हम लोगों को सुनाते, ये बात सारी सारे हिंदुस्तान तक पहुंचती, इवन ये दुनिया तक पहुंच जाती है हमारी, कि असेंबली में क्या 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 लोग वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या इन्होंने डाले हम पर। यहाँ का जो शख्स है, जब सिक्योरिटी ही यहाँ पे नहीं, अलर्ट किया है कश्मीर वैली की, जो शादी की उम्र उन्होंने क्रॉस की है और वो जॉबलेस है, शादी भी नहीं है, जॉबलेस है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे वो अल्लाह ताला जानता है। ये सारा कुछ बीजेपी की देन है। जो हमारे बच्चे 24 साल 2003 शख्स है, जॉब सिक्योरिटी ही यहाँ पे नहीं, अलर्ट किया है कश्मीर वैली की, जो शादी की उम्र उन्होंने क्रॉस की है और वो जॉबलेस है, शादी भी नहीं है, जॉबलेस है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे वो अल्लाह ताला जानता है। ये सारा कुछ बीजेपी की देन है। जो हमारे बच्चे 24 साल 2003 उनको गिरफ्तार किया, जो बच्चे हैं 19-20 में, और उसके बाद जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वो बाहर के जेलों में है। हम ये बात कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया है, हम ये बात कहते हैं कि बीजेपी ने जो हाउसिंग बोर्ड है वहाँ पे कहा उनको कि ज़मीन तकसीम करो 5-5 मरला, हम उनसे ये एक्सपोज करते हैं वो 5-5 मरला किन किन के लोगों को मिला है, वो कहाँ से लोग आए हैं, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो, यहाँ के बाहर के लोग आए, उनको लैंड दिया है, जो यहाँ के मुसीबत ज़्यादा है उनको नहीं दिया, जो जॉब सिक्योरिटी वो बेसिकली वो ख़त्म हो गए, ना औरतों को ना बच्चियों को ना बच्चों को जॉब्स मिलते हैं, वो जॉबलेस है, इसलिए वो ड्रग एडिक्शन की तरफ वो गए हैं। आजकल हमारे जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको वो ड्रग एडिक्ट बन गए हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्रीवियस जो इनकी गवर्नमेंट थी, सरकार, बीजेपी की सरकार। इनको मालूम है हम इनको एक्सपोज करेंगे A to Z, इसलिए वो हमें बोलने के लिए वो वहाँ पे उठते हैं, शोर करते हैं, हाय करते हैं, और इवन ये शर्मनाक बात है, वो कहते हैं ये कश्मीर हमारा है, हमें पता नहीं ये आखिर ये कश्मीर किन का है, ये कश्मीर कश्मीरियों का है या बाहर से लोग आए बिहारी उनका है, सरकार ने कहीं पे लद्दाख रखा, कहीं पे जम्मू रखा और कहीं पे कश्मीर रखा, क्यों नहीं एक ही, ये जो इतनी इज्जतदार स्टेट थी तुम हमारी टुकड़े। मैम, जब तक स्पीकर माफ़ी नहीं मांगे, ऐसे ही स्पीकर नहीं मांगते के लिए माफ़ी मांगेंगे, उनको चुना है मेजोरिटी रेजोल्यूशन, वो कश्मीरिया का वो तो इंशाल्लाह वो मानते हैं, वो दिखाते हैं लोगों को, नहीं हम पीछे नहीं। बात करते हैं 370 की, जो कोई भी हो, कश्मीरी हो, जम्मू का है, जो बेशक जो वो शक उन्होंने खत्म की, जिनकी शख्सियत उन्होंने खत्म की, मतलब दे टॉक अबाउट 370, कोई भी आए 370 कश्मीरी की जान है, और हम 370 ने छोड़ दिया अंदर, वही ड्रामा पराने जब रेजोल्यूशन आया था, वो रेजोल्यूशन आया ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, सपोर्ट।